हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोकैबुलरी कैसे याद करें, हाउ टू इम्प्रूव वोकैब। तो इस वीडियो में जितने भी मैं मेथड बताऊंगा, जो भी आपको प्रोसेस बताऊंगा कि वोकैब जीरो से लेकर आपको एक्सपर्ट कैसे बनना है, वो सब कुछ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड मैं इसमें पहले ही भी लिखा हुआ है कि 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो बोलना है कमेंट में बोल देना। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, वो प्रोसेस के बाद में आपको वोकैब गारंटी से याद नहीं हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले वोकैबुलरी याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप एक बुक ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, कोई सी भी बुक हो, ब्लैक बुक हो या केडी कैंपस वॉल्यूम 2 हो, या फिर कोई सी भी एक बुक ले लीजिए जो फेमस बुक है, एंड इन दोनों में से आप एक बुक ले लीजिए। इसके बाद में, या फिर आपको अगर आपने कहीं से कोचिंग कर रखा है तो नोट्स है तो नोट से पढ़िए, आप ज़्यादा बेटर होगा कि आपने कोचिंग कर रखी है तो नोट से पढ़ लीजिए। लेकिन आपको जीरो से करना है तो कहीं से भी कीजिए, लेकिन जीरो से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट वर्ड से। एंड इसके बाद में मैं बताता हूँ कि आपको कितने मेथड होते हैं वोकैब याद करने के, एंड कितने यूज करने हैं आपको। तो मैं सबसे पहले बात करूँ कि तीन मेथड होते हैं वोकैब याद करने का। एक तो रूट वर्ड से याद की जाती है, एक निमोनिक बना के याद की जाती है, एक सेंटेंस बनाकर याद की जाती है। तीन तरीके होते हैं, आपको तीनों यूज करने होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड। आपको समझना होगा कि वर्ड के अकॉर्डिंग आपको तीनों मेथड यूज करने होंगे। कुछ वर्ड रूट वर्ड से याद होंगे, कुछ निमोनिक से याद हो जाएंगे, कुछ दोनों से याद नहीं होंगे, तो सेंटेंस बनाकर याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे याद करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट डे क्या करना होगा, आपको कम से कम 5 से 20 वर्ड लेने होंगे। अब ये आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि आपके पास कितना सफिशियंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग, एंड आपकी कैपेबिलिटी। अगर टाइम कम भी हो तो भी आपको वर्ड कम ले लेना है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको बाद में जाके पता चलेगा कि आप जैसे 1 महीने 2 महीने बाद में जब न्यू वर्ड पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड, मतलब कि नंबर ऑफ वर्ड्स डेली आपको रिपीटेड होते रहेंगे। तो आपको पहले स्टार्टिंग में कम ही ले लेना है। एंड जैसे मैं मान लो फर्स्ट डे 5 वर्ड ले लेता हूँ, एंड 5 वर्ड को मैंने याद किया, पढ़ा, उनके सिनोनिम्स पढ़े, एंटोनिम्स पढ़े, उनके कुछ वर्ड के निमोनिक्स बनाए मैंने, कुछ वर्ड के इजीली याद हो गए, तो मैंने फर्स्ट डे याद किया उसको। उसके बाद में क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे सबसे पहले जैसे ही आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले ओल्ड जो 5 वर्ड पढ़े हैं उनको ज़रूर पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है अच्छे से, उसके बाद में न्यू वर्ड पढ़ना है। अब आप रिवीजन करते टाइम 5 वर्ड का जब रिवीजन करोगे, कुछ वर्ड आपको याद रिकवर नहीं होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लगेंगे कि मैंने आज ही उनको देखा है, कल पढ़ा ही नहीं था। लेकिन घबराना नहीं है, आपको 5 पहले के वर्ड याद करने हैं एंड 5 न्यू वर्ड याद करने हैं, पढ़ना आराम से, वही 1 आवर देना है आपको। एंड इसके बाद में नेक्स्ट डे आपको फिर से वही पिछले जो 10 वर्ड पढ़े थे उनको रिवीजन करना है, कुछ वर्ड आपको नहीं होंगे। अब मैं तीसरे दिन की कुछ बात बताता हूँ कि कुछ वर्ड आपको रिवीजन करते समय ऐसे लग रहा है कि ये याद नहीं हो रहे, तो उनके लिए क्या करना होगा आपको, उस पर हल्का सा ग्रीन रेड कलर से या किसी भी पेन से आप उनको टिक कर लें, ठीक है। फिर तीसरे दिन ऐसे ही आपको रिवीजन करना है उन 15 वर्ड का, पहले 10 वर्ड का रिवीजन करो, फिर 5 वर्ड न्यू करो, ऐसे चौथे दिन करना है, 5वें दिन करना है, ठीक है। 5 दिन तक सिर्फ आप न्यू वर्ड करते जाओ, पिछले वर्ड रिवीजन करो, फिर बार न्यू करो, फिर पिछले रिवीजन करते जाओ, रिवीजन 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 करते रहना, ठीक है। रिवीजन को कभी भी छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब 6ठे दिन क्या करना होगा आपको, 5 दिन के जितने भी 25 वर्ड हो गए उनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से वर्ड के मैंने बार बार डेली टिक लगाता आ रहा हूँ मैं 5 दिन से। जैसे फर्स्ट वर्ड में कम से कम 1 वर्ड तो ऐसा होगा जिसको आप डेली याद नहीं हो रहा, 5 दिन से सिर्फ टिक लगाए जा रहे हो, ठीक है। तो उस वर्ड को आपको एक अलग से नोट डाउन करना है, एक कॉपी लेनी है, उसमें अलग से डायरी बनानी है एंड उसमें नोट डाउन कर लेना है,
तो जैसे ही आप छठे दिन पढ़ने बैठोगे तो आपको सबसे पहले डायरी में जो भी आपने डायरी में नोट डाउन किया है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में जो पिछला रिवीजन किया करना है उसको रिवाइज करेंगे, एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको ऐसे ही कंटिन्यू फिर 5 वर्ड लेने हैं, ऐसे करते जाना है। एंड इसके 14 दिन के बाद में आपको क्या करना है कि आपको जितने भी वर्ड हो गए आपके, मान लो 16 वर्ड हो गए 14 दिन के अंदर, एंड आपने 16 वर्ड कर लिए, तो इनको बार बार आपको पूरे टोटल वर्ड देखने हैं, फिर आपकी डायरी चेक करनी है कि डायरी में कितने वर्ड हो गए, आपको उनको याद करना है। अब डायरी में जितने वर्ड हैं उनमें से भी कुछ वर्ड आपको 14 दिन के अंदर याद होने लग गए होंगे, तो डायरी में से आपको कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी निमोनिक भी बना लिया उसका, रूट वर्ड भी नहीं है उनका, तो वो जो ऐसे वर्ड हैं उनको याद करने का एक ही तरीका है कि फिर आप 14 दिन के बाद में उन वर्ड को सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए, उनका सेंटेंस बनाइए, उनका हाउ टू यूज सर्च कीजिए कि आप किस प्रकार उन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। जैसे ही आपके दिमाग में ऐसे ब्रेन में ओपन होगा कि आपने इन वर्ड्स को सेंटेंस बनाकर याद किया है, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 1 या 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस लास्ट बनाने के बाद में वो वर्ड भी इजीली याद होने लगेंगे। 14 दिन हो गए, ऐसे ही आपको कंटिन्यू 21 दिन, 21 दिन बाद में फिर 90 वर्ड होंगे या 100 वर्ड होंगे, एंड आप उसके बाद में देखोगे कि आपको बहुत सारे वर्ड रिपीट होते जा रहे हैं, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि 21 दिन तक कर लेते हो तो बहुत सारे वर्ड रिपीट होंगे, बहुत ही ज़्यादा वर्ड रिपीट होंगे, एंड आपको लगेगा कि रियल में मैं वो कैब को सही वे में याद कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आप अपने आप पर भरोसा रखना है कि आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद में मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। देखो, वर्ड को देख लिए, वर्ड लेना है, उसका मीनिंग जानना है, उसके बाद में हाउ टू यूज दिस वर्ड, बस हाउ टू यूज दिस वर्ड। जैसे मैं गुड, गुड को कोई वर्ड है गुड, तो उसको कैसे उसका मीनिंग होता है, अच्छा उसको कहाँ पर यूज करूँगा कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तो ऐसे यूजे देखने हैं उनके कि कहाँ पर आपको यूज करना है, फिर उसका एक निमोनिक बना लेना है अगर आपको वो वर्ड इजीली याद नहीं होता तो, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ आपको। अब ये फ्लोडिट एक वर्ड है, एंड इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाउन है, ठीक है। अब फ्लोडिट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा करना। अब प्रशंसा करना को कैसे याद करेंगे, जैसे फ्लोडिट आएगा कैसे याद रखें, तो इससे रिलेटेड निमोनिक्स कैसे बनाना होगा। फ्लोडिट में आपको जैसे टुकड़ों करोगे फ्लोडिट के, मतलब कि अलग अलग वर्ड को देखोगे, तो फ्लोडिट में एक ओडी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, तो जैसे मैं ओडी वर्ड याद करूंगा, अब ओडी से क्या होगा आपको, जैसे ओडी देखोगे आप, अब ओडी देखते ही आपको क्या लगता है कि आप प्रशंसा करने लगते हैं लोग बाग, तो प्रशंसा के लिए ओडी का यूज किया जाता है, जैसे ओडी देखोगे प्रशंसा के सेंस में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में प्रशंसा करना, ODI भाई प्रशंसा कर रहे हैं उसके, प्रशंसा करना, तो जैसे 2-3 बार देखोगे ये फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ओडी के बारे में तारीफ कर रहे हैं, सेकंड डे देखोगे फिर से तारीफ कर रहे हैं, थर्ड डे देखोगे 5 दिन बाद तो ऐसे बोलोगे कि ओडी देखते ही प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। अब सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ये काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस वर्ड का निमोनिक्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रेज, प्रेज भी आपने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। अपल्यूज, अपल्यूज भी काफ़ी ज़्यादा बार, तो ये तीन स्टार्टिंग के 3 वर्ड तो काफ़ी ईजी वर्ड थे, इनको तो आपने बार बार देखा होगा। इसके बाद में डी नंबर का वर्ड है, ये देखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है एंड न्यू दिख रहा है आपको, जो आपने अब से पहले पढ़ा नहीं है, तो अक्लमेशन, अक्लमेशन को कैसे याद करेंगे, जिसमें अकल ज़्यादा होती है उसकी तारीफ होती है, ऐसे निमोनिक्स बनाने हैं आपको, इसको निमोनिक बोलते हैं कि कैसे, निमोनिक किसे बोलते हैं कि जैसे मैंने अक्लमेशन देखा उसके बारे में क्या सोचा कि जिसमें ज़्यादा अकल होती है उसकी तारीफ होती है। इसके बाद में नेक्स्ट ओवेशन को कैसे याद करना है, ओवेशन को याद करने के लिए आप किसी भी शो में जाते हो, जैसे कपिल शर्मा का शो है
तो वो जैसे एंट्री करते हैं तो उनके उनके सम्मान में, उनके प्रशंसा में करने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन होते हैं, खड़े होकर तालियां बजाते हैं। तो स्टैंडिंग ओवेशन से ओवेशन को याद कर सकते हो। कमेंडेशन, कमेंडेशन अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे पूछते हो या कमेंट करते हो तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कोई चीज़। तो क्यों क्यों करता हूँ रिकमेंड? तो रिकमेंड जब होती है जब किसी चीज़ की प्रशंसा होती है या उसकी तारीफ होती है, जब जाके मैं उस चीज़ को रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में कुडोस, लास्ट वर्ड है कुडो। कुडोस को कैसे याद करना है? प्रशंसा के सेंस में। तो कुडोस को जैसे पढ़ोगे आप, आपके दिमाग में जो भी आपकी, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, बहुत ज्यादा लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप नाचने लगोगे, कूदने लगोगे। तो कूदने के सेंस से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो, फिर से एक बार पढ़ लिया, फिर निमोनिक्स भी बना लिया, फिर वापिस याद कैसे करोगे? जैसे अप्लोडिट देखा, अप्लोडिट ओडी, ओडी का ओडी से प्रशंसा करते हैं, ओडी को देखते। कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, प्रेज पढ़ लिया, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, एप्लूज का मतलब प्रशंसा करना, अक्लमेशन का मतलब प्रशंसा करना, अक्लमेशन अकल जिसमें ज़्यादा होती है उसकी प्रशंसा होती है, ओवेशन को स्टैंडिंग ओवेशन से, कमेंडेशन को रिकमेंड से, एंड कुडोस को कूदने के सेंस से। इस प्रकार आप वो कैब को याद करना है, कंप्लीट वो कैब बहुत ही। और आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, 20 या 20 डेज के बाद, ऐसे मैंने जैसे बताया है उस प्रकार आप रिवीजन करते हो तो 21 डेज के बाद में आपको 100% ऐसे मज़ा आने लगेगा कि आप वापस कमेंट में आके थैंक्स बोलोगे। लेकिन आपको 21 डेज तो कंटिन्यू करना है, भले आपको याद नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 1 आवर डेली देना है और इसी प्रकार पढ़ना है। पहले पिछला पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर पिछला पढ़ो, फिर रिवीजन करो डेली। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें।